हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। और महमूद प्राचा जो कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पटियाला कोर्ट के सामने आंदोलन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कानून मजाक है, हमारे लिए भारत का संविधान हमारे लिए ऊपर है, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं, लेकिन हम इनको जेल भिजवाएंगे क्योंकि इस वक्त ये अपराध कर रहे हैं। प्राचा साहब को जब सुप्रीम कोर्ट के वकील को गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे कैमरा मैन देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पुलिस बल संख्या भारी संख्या में मौजूद है। हम कानून के मानने वाले हैं, इसीलिए हम इनके उंगली लगाने से अरेस्ट होके जा रहे हैं, लेकिन ये बार बार अपराध जो हो रहा है, इस अपराध के खिलाफ हम कानून कार्रवाई करेंगे। ये है इस देश का कायदा कानून। ईवीएम के सारे चुनाव रद्द होंगे, हम सारा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हम हैं पटियाला कोर्ट के सामने और यहाँ महमूद प्राचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यहाँ पे जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन करके ये अपनी एक पीसी कर रहे हैं। और यहाँ पुलिस की संख्या बल देखिए आप कितनी ज़्यादा है, पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन करना मना है यहाँ पे, और उनको डिटेन करने के लिए पुलिस आई है, उनको लगातार इस बात की चेतावनी दे रही है कि यहाँ से सब कुछ खत्म करें। लेकिन जो है अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्राचा साहब जो है लगातार पत्रकारों से बात कर रहे हैं, और पुलिस की भी टीम जो है बहुत भारी संख्या में यहाँ मौजूद है, और पुलिस उन्हें रोक रही है, उन्हें कह रही है कि इस तरह का जो है प्रदर्शन बंद करें, लेकिन उनका कहना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, प्राचा साहब कह रहे हैं कि हम अपना यहाँ कानून काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस जो है काफी ज्यादा संख्या में है, और प्राचा साहब हाथ लगाओ और अरेस्ट करो, ये आपको डिटेन कर लिया, आ जाओ, ताकत मत लगाओ, नहीं नहीं हाथ लगा लिया, अरेस्ट कर लिया मुझे, आ जाओ, देखिए ये है अमित शाह पुलिस, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से राजा साहब क्यों गिरफ्तार आ रहा हूँ मैं, ये देखिए अभी आप वादा कर रहे हो ना मुझे चुनाव आयोग ले जाओगे, पहले इनकी बात, ये मुझसे वादा कर रहे हैं कि मुझे चुनाव आयोग लेके जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी इनसे धोखाधड़ी आज भी कराएंगे। ये है इस देश का कायदा कानून। चलते चुनाव के बीच में आपका ये विरोध प्रदर्शन क्यों सर? ताकि जनता जाग ही रहे और ईवीएम का विरोध करती रहे, इनका विरोध करते रहे, और ये विरोध कामयाब होगा। ईवीएम के सारे चुनाव रद्द होंगे, हम सारा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। साहब आप इलेक्शन कमीशन जाने थे लेकिन आपको कहीं और लेके जा रहे हैं, वादा कर इनसे पता है, इनसे पूछिए, वादा कर रहे हैं कि वहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस ने जो है महमूद प्राचा साहब को जो है अभी डिटेन किया है, और इनको पकड़ के जो है ले जा रही है, क्योंकि जो हम कानून के मानने वाले हैं, इसीलिए हम इनके उंगली लगाने से अरेस्ट होके जा रहे हैं, लेकिन ये बार बार अपराध जो हो रहा है, इस अपराध के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और मैं वादा करता हूँ ये सभी पुलिस के अधिकारी जो कानून तोड़ रहे हैं उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे, यहाँ से खड़े होकर वादा। हाँ गिरफ्तार किया ना, अगर ये डिटेन है सर, गिरफ्तारी है सर, गिरफ्तार किया, चलिए अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का पालन करता हूँ, ठीक है, चलिए। यहाँ पे हमारे साथ अभी महमूद प्राचा साहब को जो है, और ये इनके लिए कानून मजाक है, हमारे लिए भारत का संविधान हमारे लिए ऊपर है, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं, लेकिन हम इनको जेल भिजवाएंगे क्योंकि इस वक्त ये अपराध कर रहे हैं, ये मेरा वादा। अब ये तो यही बताएंगे, और अमित शाह जी से पूछिए, अगर आपको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप कानून का हवाला दे रहे थे, फिर भी आप क्योंकि ये कानून का पालन नहीं करते ना चुनाव आयोग ना पुलिस, ये अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं। सर विश्व भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसकी धज्जियां उड़ा रही है ये सरकार आरएसएस और बीजेपी, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये 144 का ऑर्डर दिखाया इन्होंने आपको, मैंने बोला था ना ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, धारा 144 का ऑर्डर कंटिन्यू, आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है पूरी तरीके से, चुनाव आयोग गैर कानूनी है, हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और ये चुनाव आयोग जो हमारे जवाब नहीं दे रहा वो भी गैर कानूनी। तो अभी हमने सुना महमूद प्राचा साहब को, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो समझिए आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, कि उनका कहना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की 144 धारा नहीं लगी हुई थी, उनके पास कोई नोटिस नहीं था, नहीं उन्हें कोई नोटिस दिया गया है, और जो भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसा महमूद प्राचा साहब का कहना है। और हमारे कैमरा मैन देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पुलिस बल संख्या भारी संख्या में मौजूद है, पहले पुलिस ने अनाउंस किया कि यहाँ से सब लोग हट जाए, और महमूद प्राचा जो कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पटियाला कोर्ट के सामने आंदोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और हम आपको अपने कैमरामैन के थ्रू देख रहे हैं कि उनको पुलिस की बस में बिठाकर जो है ले जाया जा रहा है, उनकी टीम को भी और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से जो है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो उन्होंने एक आंदोलन किया था वो जो है उनको खत्म किया गया है, और हमारे कैमरामैन अभी दिखा रहे हैं आपको
कि किस तरह से भारी संख्या बल में यहाँ पुलिस मौजूद है। उनका कहना है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये वो लगातार इस बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को उंगलियाँ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है बीजेपी के प्रभाव में है, संघ के प्रभाव में है, इस प्रकार जो है आंकड़े भी देरी से जारी किए गए हैं। तो इस बात को लेकर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन आशीष यादव, मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।